नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग, वुडन फिनिश कोटिंग या फिर पीवीडीएफ कोटिंग या पीयू कोटिंग, इनकी जो कॉस्ट है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ये कंज्यूमर के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप एल्यूमिनियम का काम करते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और या फिर आप एनोडाइजिंग का प्लांट या पाउडर कोटिंग का प्लांट या कोई कोटिंग का प्लांट डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी डिटेल्स मिलेंगी। कई बार क्या होता है, लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर मुझे कॉल करके पूछते हैं तो मुझे वही बात फिर से रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एनोडाइजिंग या फिर पाउडर कोटिंग या किसी भी टाइप की कोटिंग का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट निकालने का जो पहला स्टेप है वो है सेक्शन का पेरिफेरल एरिया निकालना। पहले हमें सेक्शन का जो पेरिफेरल एरिया है वो निकालना होता है। अब कई बार क्या होता है कि जो जहाँ से भी आप कोटिंग करवा रहे हैं, अगर आप कोटर नहीं हैं, अगर आप जहाँ से कोटिंग करवा रहे हैं तो वो उन लोगों के पास में रेगुलर सेक्शंस के ऑलरेडी जो पेरिफेरल एरिया होता है वो उनके पास ऑलरेडी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप खुद कोटर हैं या फिर एज अ एंड यूज़र या फिर एज अ वेंडर आप खुद चाहते हैं कि आप पेरिफेरल एरिया चेक करें कि कैसे निकालते हैं, तो वो पेरिफेरल एरिया निकालने का जो तरीका है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें पेरिफेरल एरिया क्या है, तो पेरिफेरल एरिया मतलब जो भी सेक्शन का जितना भी बाहरी हिस्सा है, मतलब जो उसका डिज़ाइन है सेक्शन का, वो डिज़ाइन का आउटलाइन जो है वो आउटलाइन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे लेंथ में, मतलब अगर आपने जैसे रेक्टेंगुलर पाइप है 2 इंच बाई 1 इंच का, अगर इसको आपने पूरा सीधा कर दिया तो ये टोटल लेंथ कितनी में होगी, तो वो आपका पेरिफेरल एरिया हो जाएगा। अगर हमने 2 इंच बाई 1 इंच के रेक्टेंगुलर पाइप फ्रेम को सीधा कर दिया तो उसका टोटल लेंथ जो उसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 इंच। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि 2 इंच प्लस 1 इंच प्लस 2 इंच प्लस 1 इंच, तो टोटल उसकी जो पेरिफेरल एरिया है वो हो जाएगी 6 इंच। तो अब आपको इसकी टोटल स्क्वायर इंच आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल स्क्वायर इंच आप कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा कि कितने सरफेस के ऊपर ये कोटिंग होने वाली है जिसके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो अब आपको ये पता चल गया कि 6 इंच का जो है वो पेरिफेरल एरिया है। अब आपको देखना होगा कि सेक्शन कितना लंबा है। अब अगर सेक्शन जो है वो मान लीजिए 10 इंच लंबा है तो आपका जो 6 इंच का जो पेरिफेरल एरिया है वो इंटू आप 10 कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 60 इंच। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए 100 इंच का लेंथ है सेक्शन का तो 6 इंटू 100 करेंगे तो फिर हो जाएगा 600 इंच। तो जो ये 600 स्क्वायर इंच आया है, ये 600 स्क्वायर इंच हमारा वो एरिया है जिसके ऊपर कोटिंग होने वाली है। अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए एक एवरेज कॉस्ट, ऐसे ही एक एवरेज कॉस्ट पकड़ लेते हैं कि एनोडाइजिंग कर रहे हैं और एवरेज कॉस्ट 10 पैसे स्क्वायर इंच जो है वो कॉस्ट है एनोडाइजिंग की। तो हम 600 स्क्वायर इंच को 10 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस्ट मिल जाएगी जो कि है 60 रुपये। तो अगर आपने 2 बाई 1 की पाइप आपने अगर कोटिंग कराई 100 इंच की लेंथ की एनोडाइजिंग 10 पैसे के रेट से, तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी 60 रुपये। तो 60 रुपये जो है वो आपकी कॉस्ट हो गई कोटिंग की, मतलब जो 100 इंच का जो सेक्शन है 2 1 का, 2 इंच बाई 1 इंच का रेक्टेंगुलर पाइप, तो उसको पूरा कोटिंग कराने की जो कॉस्ट है वो आपके 60 रुपये हो गई। अब इसी तरह से आपको जो कैलकुलेशन है
वो सभी सेक्शनों के लिए होती है। तो आम तौर पर क्या होता है कि जब एनोडाइजिंग वाला जो है या फिर कोई भी जो कोटिंग वाला है वो आपको पेरिफेरल एरिया बता देता है कि हम फला फला सेक्शन का ये पेरिफेरल एरिया पकड़ते हैं, तो वो पेरिफेरल एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो ऑड सेक्शन है जिसके सरफेस प्लेन नहीं है, जैसे कि ट्रैक हो गया, हैंडल सेक्शन हो गया, इंटरलॉक सेक्शन हो गया, बेयरिंग बॉटम सेक्शन हो गया, तो इसमें ये जो सेक्शन है इनका जो सरफेस है वो पूरा प्लेन नहीं है। जैसे कि रेक्टेंगुलर पाइप में हम देखते हैं तो वो सीधा सीधा प्लेन सरफेस है, आप उसको बिना कुछ किए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 2 इंच है, ये 1 इंच है, नीचे 2 इंच है, साइड में 1 इंच है, मिला के 6 इंच है। लेकिन अगर ट्रैक है तो ट्रैक में आप उतने सिंपल तरीके से आप साइज पेरिफेरल एरिया नहीं निकाल सकते। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, तो इस केस में आपको जो टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पेरिफेरल एरिया नापने के लिए पहले हमें एक गीला धागा लेना होगा और उस गीले धागे से हम पहले जो अंदर का जो पार्ट है जहाँ पे ग्लास जाता है जिसे नापना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे हम पहले उसको गीले धागे से उस पार्ट को नाप लेंगे। अभी मैं देखिए वही पार्ट नाप रहा हूँ, अंदर का जो पार्ट है। बहुत ही आसानी से इस टेक्निक से आप वो नाप सकते हैं क्योंकि धागा बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो अभी देखिए ये मैंने नाप लिया है, अब ये जो साइज़ है इस साइज़ में मैं क्या करूँगा कि धागे को जो है वो काट लूँगा। तो जो अंदर की सरफेस जगह है, पेरिफेरल एरिया है, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये जो है वो अंदर का पेरिफेरल एरिया है, तो ये पेरिफेरल एरिया तो मुझे चाहिए ही, अब मुझे बाहर का भी पेरिफेरल एरिया चाहिए। तो ये बाहर का जो पेरिफेरल एरिया है अब मैं उसको नाप रहा हूँ, क्योंकि जो कोटिंग होती है वो अंदर की तरफ भी होती है और बाहर की तरफ भी होती है, तो कोटिंग की कॉस्ट टोटल सरफेस एरिया पे कैलकुलेट होती है, इसलिए आपको अंदर का भी पेरिफेरल एरिया चाहिए और बाहर का भी पेरिफेरल एरिया चाहिए। तो अभी देखिए ये मैं बाहर का जो पेरिफेरल एरिया है उसको नाप रहा हूँ और ये जो है अब ये बाहर का भी पेरिफेरल एरिया आ गया, अब मैं इसे भी काट लूँगा। इनर पेरिफेरल एरिया और आउटर पेरिफेरल एरिया जब दोनों के धागे काट लें तब दोनों धागे को एक सीधी लाइन में रखें, जैसे कि मैं अभी रख रहा हूँ, तो ये दोनों को मैंने सीधे लाइन में रख लिया है। अब जो सेक्शन मैंने यूज़ किया है वो 25mm x 65mm का सेक्शन है, यानी कि 25mm x 65mm का सेक्शन है। ये आप किसी भी तरह के सेक्शन के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सीधे रख के अब मैं इसे मेजरमेंट टेप से नाप लूँगा। तो 25mm x 65mm की पेरिफेरल एरिया जो है वो है 8.25 इंच। इसी तरह से मैं किसी भी टाइप का जो सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, उसके पेरिफेरल एरिया निकाल सकते हैं। तो पेरिफेरल एरिया कैसे निकालते हैं ये आपको अब पता चल गया होगा। तो पेरिफेरल एरिया निकालने के बाद आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक बार मैं प्रोसेस फिर से रिपीट कर देता हूँ कॉस्ट निकालने का, कि पहले आपको निकालना होता है पेरिफेरल एरिया, फिर उसके बाद आपको चाहिए होती है सेक्शन की लेंथ, और फिर आप पेरिफेरल एरिया को सेक्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है टोटल स्क्वायर एरिया या फिर स्क्वायर इंच। फिर आप टोटल स्क्वायर इंच को आप मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से तो आपको मिल जाता है कॉस्ट, यानी कि क्या कॉस्ट हो रही है वो सेक्शन को कोटिंग करने की। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कॉल करेंगे तो शायद मैं बिज़ी रहूँ, नहीं उठा पाऊँ एक बार, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।